अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा के अनुसार शहर में पेयजल संकट इतना बढ़ गया है कि आमजन का सब्र टूटने लगा है। शहर में हरीश हॉस्पिटल के सामने दीवान जी का बाग सहित आसपास के मोहल्ले की महिलाएं व पुरुषों ने रोड पर जाम लगा दिया। जाम के दौरान एक पिकअप चालक निकलने लगा तो वहाँ के लोगों ने हाथापाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव किया। जाम के दौरान वहाँ मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने कहा कि भीषण गर्मी में पानी का संकट है, दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, अब दूसरे घरों में भी पानी देना बंद कर दिया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के आधार पर पानी की समस्या का समाधान एक महीने पहले ही हो जाना चाहिए था। समाधान नहीं होने पर मजबूरी में महिलाओं ने रोड जाम किया है। हम भैया समस्या के ये पानी नहीं आ रहा, हमारे पाँच पाँच महीना हो गया ना। अधिकारी जाते हैं, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। कलेक्टर साहब बन गए, कलेक्टर साहब नहीं सुनते हमारे। तो फिर कब से पानी नहीं आ रहा है? पाँच महीने हो गया हमारा पानी आया। किस किस को बताया समस्या से? कलेक्टर का नुया है, एक्शन का नुया है, एससी का नुया है, समन नुया है, पर हमारे पानी की कोई समस्या नहीं है। क्या आश्वासन देते हैं हमेशा? कलेक्टर साहब तो कहते करवा देंगे, हम करवाता ही नहीं है। बोलो कहाँ जाए हम पानी पीने? ये बताओ बच्चा को कहीं झाड़ दे जाके हम अब कैसे 400 रुपए घुमाते, 400 रुपए का टैंकर गिरवा लेंगे, हम खाएंगा कहीं? अब कैसे काम चला रहे हैं पानी के लिए? अब कैसे काम चला रहे हैं? टैंकर गिरवा रहे, दो दो चार चार भेड़ा होगा टैंकर गिरवा रहा है, मिल के नहीं। तो आज आपने मजबूरी में जाम लगाया, अब क्या मजबूरी में जाम लगाया हमने आज? 10 नंबर वार्ड है, दो साल से समस्या पानी की आ रही है, अब 2 महीना से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा गली के अंदर। कहाँ कहाँ आपने शिकायत कराई? कूटी खेल पे, गले सहित पे दो जगह पानी नहीं आ रहा। बस 2 साल से भी नहीं आ रहा। तो आपने 2 साल से पानी की समस्या आ रही है, कहाँ कहाँ पे शिकायत? हमने कलेक्टर की शिकायत कर दी, जयन साहब से कर रखी है, मनु मारक पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा बिल्कुल। क्या कहते हैं हमें से जब आप जाते हैं तो? क्या हम वो कहते हैं करवाएंगे, आज तक करवाए नहीं उन्होंने, कुछ भी कार्य नहीं करा। आज आपने फिर क्या समस्या करा? आज हमने ये लिया था तो उनको पानी दो, ना दो तो भाई 10 टैंकर हमारे गली में आना चाहिए। तो इस पर आपने जाम लगाया है? हाँ, इस वजह से हमने जाम लगाया। आप जलदाय भाग आए हैं और पुलिस प्रशासन आई है, क्या आश्वासन दे रहे हैं हम आपको? आश्वासन दे रही है भाई जयन साहब से बात करो, जयन साहब करेगा जो कुछ करेगा।